आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र के बंधन टोला मोहल्ले में अवैध संबंध का विरोध करने पर एक बेरहम पति ने अपनी शादीशुदा माशुका के साथ मिलकर पत्नी की लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। महिला को शरीर के कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। दरअसल जख्मी महिला नवादा थाना क्षेत्र के नवादा मेल रोड बंधन टोला मोहल्ले की रहने वाली प्रमिला देवी है। जख्मी प्रमिला देवी ने कहा कि उसके पति का किसी अन्य शादीशुदा बाल बच्चेदार महिला से कई महीनों से नाजायज संबंध है और उसे किराए के मकान लेकर अलग रहता है। कमाई का सारा खर्चा उसे ही दे देता है। 8-10 महीना से चक्कर चला था दूसरा औरत जोड़े, माने कि दो काम करे वाली से 3-4 दिन गैल बनी। आपके पति का? हाँ, हमारा पति का, राजीव प्रसाद। 3 दिन गैल बनी, केमारी खोलवावा तनी, जब चैन उन बंद कर लेता नू, आधा घंटा के बाद गंदा काम कर लेता तब निकलता, और निकल के हमारा कमारे लगाता दूसरा जगह, वो रंडी के रख ले बा हमारा रहते भर में। अभी हाथ पकड़ के कहत नहीं कि जे जिनत जाए न जाए घरे रही, फिर भी आके ओकरा के लेके कमाई लगा के बंद होकर सुतल रहे। आईनी है तो खोलवैनी है, आधा घंटा के बाद खोल लक तो मारे लगल दो नौ हो आई हो दोनों देवंतिया। हाँ न हाँ शादीशुदा, 3 गो बाल बच्चा, मर्द के छोड़ दिले बिया, एकरे के लेके रहता। आपके पति क्या करते हैं? हलवाई का काम। ये कहाँ लेके रहते? भेजा करमन टोला, हम रहते नहीं बंधन टोला में, हमारा से झूठ बोल बोल के एजा रहता रहते दिने, सारा कमा के कमीनी देता। महिला का इलाज पास ही के अस्पताल में चल रहा है। जख्मी प्रमिला देवी के 2 बेटे हैं, जबकि एक शादीशुदा बेटी भी है। पीड़िता का पति हलवाई का काम करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।